नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आखिरकार सवालों के घेरे में खड़ा हो गया ब्रिटेन, ले लिया ऋषि सुनक ने खालिस्तानियों पर एक बड़ा एक्शन। आप लोगों को पता होगा कि बीते दिन ब्रिटेन में स्थित भारतीय हाई कमीशन के अंदर खालिस्तानी घुस जाते हैं और भारतीय झंडे को उतार कर भारत का अपमान करते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठ के आता है कि आज के समय में अगर सबसे सुरक्षित जगह कोई मानी जाती है तो वो हाई कमीशन माना जाता है, एम्बेसी मानी जाती है। अब ऐसे में दोस्तों, खालिस्तानियों का एक बड़ा ग्रुप पहले तो हाई कमीशन के अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो भारतीय तिरंगे को उतार देता है। उसके बाद भी यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी आखिरकार ये खालिस्तानी भारतीय हाई कमीशन तक पहुंचे कैसे, इसको लेके भारतीय सरकार ने ब्रिटेन से सवाल जवाब किया है और इसको लेके रिपोर्ट मांगी है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि जितने भी लोग भारतीय हाई कमीशन में गए थे खालिस्तानी, उनकी ब्रिटेन से सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें भारत तुरंत वापस भेजा जाए, और जैसे ही वो भारत में आते हैं एयरपोर्ट पर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, खालिस्तान के अहम लीडर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और देखा यह जा रहा है कि आज के समय में खासकर भारत में पंजाब प्रांत के लोग इससे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने भारत में स्थित ब्रिटेन की एम्बेसी के सामने जाकर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने ये बताया कि आज कोई भी पंजाबी भारत से परेशान नहीं है, वो भारत से प्यार करते हैं और ये चंद से लोग सिर्फ भारत को बदनाम करना चाहते हैं। इसको लेकर ऋषि सुनक सरकार भी काफी ज्यादा सीरियस हो गई। गिरफ्तारी के बाद अभी बताया ही जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और एक काफी बड़ी संख्या भी निकल के आ रही है। लगभग 114 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद दोस्तों, लगातार FIR किए जा रहे हैं, जैसे जैसे करके ये खालिस्तानी मिल रहे हैं उन्हें दबोचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन खालिस्तानियों को यहीं पर दबा देना चाहिए, खासकर भारतीय सरकार को अच्छे तरीके से इन पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि दोस्तों, ये आज से नहीं बल्कि बहुत समय से भारत का विरोध कर रहे हैं और एक नए देश बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का क्या मानना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत के समर्थन में एक लाइन जरूर लिखिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।